खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। हापुड़ में IPS अमित चंद्रा को जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी बनने के बाद अमित चंद्रा आज पहली बार हापुड़ की पुलिस लाइन वथाना देहात में निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस नोडल अधिकारी अमित चंद्रा के आने की जानकारी पुलिस को पहले ही हो गई थी, जिसके चलते पुलिस ने थाने के रजिस्टर व मालखाना सहित अन्य दस्तावेजों को चुस्त दुरुस्त कर लिया था। नोडल अधिकारी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण करने के बाद थाना देहात में निरीक्षण कर फरियादियों की समस्याओं को सुना व उनका तत्काल निरस्तारण करने के लिए थाना अध्यक्ष को आदेश दिए। वहीं थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों के साथ एक मीटिंग कर पुलिस के व्यवहार के बारे में भी जानकारी ली। वहीं पुलिस कर्मियों को हिदायत दी, आने वाले फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जिससे जनता की नज़र में मित्र पुलिस की छवि बन जाए। तो मेरा आपसे निवेदन ये है जी, जैसे हमारे यहाँ चौकी में भी चल रहा, तो मुरा भी इसी तरीके से भाईचारे से बैठ के असली अस्पताल पर जाते गांव में घूम के, तो कई मुकदमे जो फर्जी हुए उनका निस्तारण वहीं क्यों वहीं हो गया। फिर नाम भी निकल गए, लोग नाम लिख के दे रहे, लेकिन उन्हें भी पनिशमेंट मिल जाना चाहिए जो किसी के वाहियात गर्दी में नाम लिखवा दी। सही बात, कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, उद्देश्य है कि कैसे पुलिस व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है, और इसमें मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं आप ही लोग से सुनना चाहूँगा। बहुत खामियाँ हैं और बहुत अच्छा कार्य है यहाँ पे, हमें कभी शिकायत का मौका इस थाने से नहीं मिलता किसी की तरह। जैसे अभी मुगल में लिखे गए हैं या तहरीर मुगल में लिखे जाते हैं, जाँच नहीं हो पाती सही से, या हो पाती है तो ऐसा क्यों, मतलब क्या है इस पर? देखिए, अभी जैसे आपको आप लोग अवगत ही हैं कि शासन के निर्देश हुए हैं कि हर जनपद में एक नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं, जो जाके पुलिस के संबंधी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उनको देखें। तो उसी श्रृंखला में हम आज आए थे और अभी पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है, उसके बाद इस थाने का भी निरीक्षण करने जा रहे हैं। उसके पहले ही पब्लिक से एक मुलाकात थी, जो कुछ बातें आई हैं, कुछ लोगों ने बताया कि पुलिसिंग बहुत अच्छी हो रही है, कुछ एक लोगों की समस्या भी थी, तो उस समस्या को हमने नोट कर लिया है और अभी कप्तान साहब से, संबंधित इंस्पेक्टर से, इंचार्ज से, उनसे उसमें वार्ता भी करेंगे, उसमें क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई उस पर भी विचार किया जाएगा, और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा उसमें।